फोर्स मेंबर हैं, धक्के खा के आना पड़ता है। इस समय लखनपुर के कुछ एरिया को अभी भी रेड जोन में डाला गया है, यानी कि अगर आप उस रेड जोन से बाहर आते तो आपको अपना कोरोना टेस्ट करवा के आना ही पड़ेगा। ये बात जरूर बता दी गई थी कि अब बॉर्डर को ओपन कर दिया गया है, यानी कि कोई भी आ जा सकता है, पर अभी भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी बसेस को आने की अनुमति जो है वो नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये भी है कि अगर कोई वहां से आ रहा है तो उसको कोरोना टेस्ट करवाना ही करवाना है। अब कोरोना टेस्ट होने से कितने लोग खुश हैं और जिस तरह से उनको परेशानी आ रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है, चलिए आइए आप ये सुनवाते हैं। अना से सीधा जम्मू की बस होती, क्या वो सही होता? बिल्कुल सही होता, अभी बहुत परेशानी हुआ है। अभी कितना पैदल, क्या परेशानी, बसें नहीं है, एक तो अवेलेबल नहीं है, कहीं शौचालय की सुविधा नहीं है, वहाँ अभी शौचालय की सुविधा नहीं थी, यही प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम है। फोर्स मेंबर हैं, धक्के खा के आना पड़ता है। फोर्स मेंबर को धक्के खा के आना पड़े, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है जी, बहुत टफ है। बस चेंज करनी पी, पहले सीधे ही आती ही बस इतने, हूँ बस चेंज करनी पी, उ वेट करनी पी जम्मू बस स्टैंड ਉੱਥੇ ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਪੁਰ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਲਖਨਪੁਰ ਮਤਲਬ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 1 hour ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। 1 hour ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਬਸ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। फिर दोबारा हो रहा है? हाँ जी फिर दोबारा हो रहा था। और तक राजस्थान की बस आई थी। हाँ हाँ। फिर यहाँ से जेएन की बस आई। जेएन की बस आई, तो बीच में क्या हुआ? लखनपुर में आपको रोका गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? रोका गया, वहाँ मेडिकल चेक हुआ है। हाँ। कोरोना टेस्ट हुआ है। हाँ। फिर इसके बाद आई। लखनपुर में तो सही है, दिल्ली से आने में थोड़ा सा परेशानी है, ट्रेन जो है ट्रेन नहीं चल रही है, इसकी वजह से बस में आना पड़ा। तो जो अगर दिल्ली से सीधा जम्मू की बस होती तो क्या आपको लगता है कि परेशानी कम होती? बिल्कुल कम होती है। वहाँ चेकअप सब होता है। हाँ। चेकअप होके फिर उसको छोड़ दिया जाता है। हाँ। पूरा, हाँ जी पूरा चेकअप हो रहा है। हाँ जी हाँ। टेस्ट होने से कई लोग खुश हैं, कई लोग दुखी भी, पर जो लोग खुश हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छा है, हमें चिंता मुक्त जरूर हो जाते हैं, पर बार बार बसेस को चेंज करना वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे ज़्यादा दुख उन लोगों को हो रहा है जो बेल्ट फोर्सेस से ताल्लुकात रखते हैं, और जब वो यहाँ की ओर आते हैं तो उनको बार बार गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। इस समय ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्वीट की जो एक आजकल पॉलिटिक्स होती है उस पर बातें कुछ और होती हैं, उस पर राजनेता कुछ और टिप्पणी करते हैं, पर वहीं ऑन ग्राउंड कुछ और ही राग ला पड़ती है। क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। मुझे नमस्कार।